नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालाते हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत, ये मैं पहले कई मरतबा बता चुका हूं कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसके शहरियों की एजुकेशन है। क्योंकि 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त की हुकूमत ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि भारत में जितना हो सके लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और उसके अच्छे खुश आइंद नतीजे हम अब आज 77 साल के बाद अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस सिलसिले में कल जो खबर आई है, ये मैं एक दूसरा भी प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि किस तरह भारत में जो IIT बनाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ का जो एक इंजीनियर जब निकलता है तो फटाफट उसको 1 करोड़ रुपया साल का तो हिंदुस्तान में ही मिल जाता है तनख्वाह, यानी कैंपस प्लेसमेंट में। और अगर वो अमेरिका या यूरोप चले जाएं तो जाहिर है वहाँ के हिसाब से उनको तनख्वाहें मिलती हैं। इसी तरह का एक भारत का IIT ग्रेजुएट जनाब, उसका नाम है बंतवाल जयंत बालिगा, ये मद्रास में पैदा हुआ, चेन्नई कहते हैं आजकल उसे। और इसने 1969 में भारत में जो है IIT मद्रास से ग्रेजुएशन की, और फिर वो अमेरिका चला गया। और वो बताता है कि किस तरह वो जब वहाँ पे MS करने गया था तो जिस स्ट्रीम में वो दाखिला लेना चाहता था उससे वो था स्ट्रीम था GPA, जिसमें उसको एडमिशन नहीं दे रहे थे। और उसकी वजह वो बोलते थे कि भारत के जो बच्चे हैं ना वो इतने काबिल नहीं हैं। फिर GPA का उसका जो एंट्रांस एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें उसने परफेक्ट 4 out of 4 जो है रैंक हासिल किया, और फिर उसको एडमिशन दिया गया और उससे माफ़ी भी मांगी गई। बाद में वो उसने वहाँ से MS किया, फिर PhD किया, और फिर उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो भारत से BTech करके गया था, इलेक्ट्रिसिटी में, BTech इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसने वहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर बनाया। अब खैर उसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले जो मेन खबर है वो आपको बता दूँ। उसको ये जो बंतवाल जयंत बालिगा है, यूरोप का उसे 2024 का जो है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज देने की अनाउंसमेंट की गई है 2024 का, इस साल का। और ये जो इनाम है सर्टिफिकेशन के साथ साथ, इट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 1 million euros, 1 million euro, 10 lakh euro मिलेंगे अगर उसको हिंदुस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 9 करोड़ 30 लाख होते हैं। ये 9 करोड़ 30 लाख भी मिलेंगे उसको और प्राइज भी मिलेगा। अब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने जो खबर दी है, उन्होंने बताया कि हमने उससे इंटरव्यू किया और उससे हमने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उसने बताया कि मेरी कामयाबी का राज जो है ना IIT मद्रास है, क्योंकि वहाँ पर पहले 2 साल तो तकरीबन हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेबॉरेटरी में गुजारते थे, क्लास में कम जाते थे, थ्योरी कम होता था, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता था।
जिसकी वजह से हमें ज़्यादा समझ आई। और वो जैसा मैंने अर्ज किया, जब 1969 अमेरिका गया, एमएस में एडमिशन ली, तो वहाँ पर फिर उसने एमएस किया, फिर पीएचडी किया, और उसके बाद उसने जो सेमीकंडक्टर बनाया, जिसकी वजह से कहते हैं कि उसने जो सेमीकंडक्टर बनाया, जो कि आजकल ज़्यादा कारों में इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, कहते हैं पिछले 30 साल में कम से कम जो है 82 गीगा टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम निकाली गई है। यानी ये पोल्यूशन के ऊपर कितना उसका असर है, ये उसकी कितनी बड़ी खिदमत है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले हमारे यहाँ रेडियो आया था, जब हम छोटे हुआ करते थे, बिजली का था, वाल्व से चलता था। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर रेडियो आए, जिसमें एक ट्रांजिस्टर होता था। तो बाद में जो मशीनें बनाई गई ना, तो वही रेडियो ही, ट्रांजिस्टर रेडियो में ही कई ट्रांजिस्टर मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, जिसे आईसी कहते हैं। तो ये जो आईसी है ना, ऐसे अगर हजारों आईसी मिलाए जाएं तो एक सेमीकंडक्टर बनता है। अब आप सोचिए, एक सेमीकंडक्टर लाखों ट्रांजिस्टर्स का काम करता है। वो ट्रांजिस्टर जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसकी वजह से। और दूसरे ये भी बता दूं कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, माइक्रोचिप भी बोलते हैं, ये टाइम भी कम लेते हैं कैलकुलेशन। जब कंप्यूटर, आजकल तो हालत ये हो गई है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ उठा के देख लीजिए, उसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक तो छोड़िए, जैसे मैंने अर्ज किया, कार में भी सेमीकंडक्टर लगता है। 2020 में जब ये कोरोना हुआ तो भारत में सेमीकंडक्टर आने बंद हो गए। सबसे बड़ी कंपनी उसकी जो है वो ताइवान में है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSM, कारखाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कार बनने के कारखाने बंद हो गए। तो ये फिर भारत की सरकार ने जो है सेमीकंडक्टर पर जोर देना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में अपनी कोई पहचान बनानी है तो हमें अपने सेमीकंडक्टर बनाने पड़ेंगे। और जिसके बाद एक स्कीम का ऐलान किया गया, जिसे PLI कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें पिछले साल जो है $10 बिलियन की रकम अलाट की गई थी। इस साल कहते हैं कि इसको बढ़ा के 20 बिलियन, अभी वो 2-3 कारखाने लग चुके हैं। एक तो बड़ौदा में है माइक्रोन डिवाइसेस का, अमेरिका की कंपनी है, 50% तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, PLI बोलते हैं उसे। और अभी कल अपने भारत के जो वजीर आजम है जनाब नरेंद्र मोदी सिंगापुर गए हुए थे, तो वहाँ के वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई, लारेंस वांग, और उनके साथ इस बात पर ख़ास तौर पर बातचीत हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मैदान में सिंगापुर बहुत आगे है और सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी भी उनके पास भी है, लेकिन उनके पास ज़मीन कम है, उनके पास काम करने वाले हाथ कम है, इंजीनियर्स कम है। अब ये दोनों चीज़ें भारत में बहुत है, इंजीनियर्स भी बहुत निकलते हैं और मुल्क भी बहुत बड़ा है। तो उनसे ये दरख्वास्त की जनाब मोदी ने कि आप जो अपना एक्सपेंशन करते हैं, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भारत में आइए, भारत के इंजीनियर्स को लीजिए, भारत की ज़मीन को इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ साथ जो है वो चाहें तो उसके साथ साथ उनको ये इन स्कीम्स के बारे में भी मुतला किया गया कि जिसके तहत जो कोई भारत में नए कारखाने, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर के मैदान में, तो उनको PLI स्कीम के तहत 50% तक, और
दूसरी ये भी खास बात है कि अपना लोकल मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे माइक्रोन डिवाइसेस के जो सेमीकंडक्टर बनने शुरू हो गए तो उसकी पूरी की पूरी खपत हिंदुस्तान में खप जाती है, यहीं पे हो जाती है। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, लेकिन उनको कैप्टिव मार्केट पहले ही से मिला हुआ है। और इस सिलसिले में उनको कहा गया कि आप इस बात पर गौर करें और भारत में सेमीकंडक्टर के कारखाने लगाएं। अच्छा, खैर मैंने शुरू किया था कि एक इंडियन अमेरिकन जो है, जो कि अमेरिका में गया और उसने एक नई ईजाद की सेमीकंडक्टर की, जिसकी वजह से आज उसे, मतलब कल अनाउंस किया गया है 2024 का उसे यूरोपियन टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है, जो 1 मिलियन यूरो अपने साथ। अब यहाँ पर मैं ये बात भी ज़रूर बताना चाहूँगा, किसी को शायद अच्छा न लगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को, कि भारत अपने यहाँ से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, एडुकेशन एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता है, डॉक्टर्स एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अपने यहाँ से जो है इस्लामिस्ट एक्सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।